खास पेशकश में बात करेंगे घायल घाटी में बिताए गए 24 घंटे। न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर मनीष प्रसाद वहां पर पहुंचे हैं और ये 24 घंटे आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले कि आपको ये 24 घंटे दिखाएं, सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर की सबसे ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, सबसे ताजा तस्वीर जम्मू कश्मीर से। बाढ़ का पानी अब झीलों में और नदियों में जाने लगा है और बाढ़ का पानी जो कि शहर में था, गांवों को अपने आगोश में लिए हुए था, वो पानी अब कम हो रहा है और ये इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। ये वो हिस्सा है, वो इलाका जब से पहले तक सब तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जो सड़क मार्ग है वो दिखने लगा है, पानी कम हो गया है। कल ही ये उम्मीद जाहिर की गई थी कि अगले 12 से लेकर 18 घंटों में पानी जब उतर जाएगा उसके बाद राहत और बचाव काम में और ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी, लेकिन साथ ही महामारी बढ़ने का खतरा भी फैलने की आशंका थी। और ये जो तस्वीरें हैं, एकदम ताज़ा तस्वीरें आपके सामने टेलीविज़न स्क्रीन पर, जम्मू कश्मीर से ये ताज़ा तस्वीरें आपके सामने। कल तक जहां पर पानी ही पानी नज़र आ रहा था, सभी मकान पानी में डूबे हुए थे, अब वही इलाका श्रीनगर के आसपास का और जम्मू कश्मीर का ये इलाका, अब वहां पर पानी कम हो गया है। लेकिन अब भी बहुत सी जगहें ऐसी भी बाकी हैं जहां पर लोगों को इंतज़ार राहत और बचाव का। जम्मू कश्मीर की ये ताज़ा तस्वीरें, ये सड़क मार्ग आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और जो पानी कल तक जिस इलाके में पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, हर तरफ जिधर भी नज़र जाए वहाँ पर चाहे मकान हो, दुकान हो या दरख्त हो, सभी जगह पानी था। और ये पुल भी अब खुल चुका है, जो नदी है उसका जलस्तर भी अब कम हो गया है। वजह पिछले 48 घंटों में बारिश वहाँ पर कम हुई है और यही वजह है कि पानी जो शहर में भरा हुआ था वो पानी अब वहाँ से बह निकला है, पानी वहाँ से आगे बढ़ गया है। और साथ ही ये एक और हिस्सा आप देख सकते हैं श्रीनगर के आसपास का इलाका। बात घायल घाटी में 24 घंटे की, घाटी में तबाही की एक एक तस्वीर, एक एक कहानी, एक एक दास्तान न्यूज एक्सप्रेस आप तक लगातार पहुंचा रहा है। आज हम आपको दिखा रहे हैं घाटी में न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर मनीष प्रसाद की 24 घंटे की नॉन स्टॉप कवरेज। श्रीनगर में बर्बादी की एक एक तस्वीर, बेबसी की एक एक दास्तान। न्यूज एक्सप्रेस की टीम इस समय श्रीनगर जा रही है, पीड़ा ये उठाया है कि अपनों को अपनों से मिलाया जाए। यहाँ पे कितने लोग करीबन वहाँ पे हैं? मेरे 15 मेंबर्स हैं। और हालत कैसी है उस एरिया की? पूरी बहुत खराब हालत है। आप लोग डिटेल लिख रहे हैं कि ताकि जल्द से जल्द उनसे संपर्क हो जाए, अभी तक कोई बात हो पाई है किसी की? मेरी पिछले 4 दिन से अपने पेरेंट्स से बात नहीं हुई है, पिछले 4 दिन से कोई। अभी कितने लोग हैं वहाँ पे, डिटेल लिखिए आप ताकि हम वहाँ तक पहुँच सके और रेस्क्यू पाए वहाँ पे। और लाल चौक में मेरे मामी मामू फंसे हुए बच्चे के साथ। कोई अभी तक कोई बात हो पाई है किसी से भी? अभी बात मेरे घर वालों से मेरी बात हो पाई है, लेकिन जिन लोगों के अभी घर वालों से बात हुई है वहाँ बहुत कंडीशन है, वहाँ पे टेंस है, हम लोग कुछ नहीं। और हमारे घर वाले अभी जो बेमिना में है उनके पास कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं पहुँची है। अभी ये बोल रहे हैं कि रेस्क्यू टीम्स वहाँ गई है, लेकिन जहाँ जैसे हमें पता चल रहा है उनके पास कोई भी नहीं पहुँचा। वो पर्सनल बोट्स भी ला रहे हैं, वो नहीं पहुँचा पा रहे हैं वहाँ, पर्सनल बोट्स जो है वो नहीं आगे जाने। आप लोग यहीं पढ़ते हैं इसलिए? यहीं पे पढ़ रहे हैं हम, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, पीडीएस करे, लेकिन हमें पिछले 4-5 दिन से कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनसे संपर्क किया जा सके। ये राजबाग एरिया में, ये और ये जो ये वाले भिमना एरिया, कितने उसमें सठ बच्चे? अभी कोई बात हो पाई है उन लोगों से? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप किसी यहाँ पे लिखे पीछे कोई सा भी कोई डिटेल लिखे पीछे। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीनगर के तापमान में बदलाव आया है, जिसको देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है। वहीं दूसरी तरफ जो पानी का उफान था वो भी कम हुआ है। कई सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने अपनों को लेने के लिए श्रीनगर जा रहे हैं और फिर उसके बाद वो दिल्ली सुरक्षित जगहों पे जाएंगे। सर, क्या नाम है और आप कहाँ से आ रहे थे? आई एम हिलाल, आई वॉज इन श्रीनगर जस्ट ऑन मंडे, आई केम बैक टू जम्मू।
Now we are planning to board back to Delhi. और अभी आप कौन से एरिया में रह रहे थे, परिवार की क्या हालत? पीरबाग में रह रहे थे, लेकिन वो हालत काफ़ी ख़राब हो गई, तो फैमिली को रेस्क्यू किया विद द हेल्प ऑफ बोट्स. तो वी टुक देम टू अ सेफर प्लेस पर पूरा, विच इज़ बेटर हायर ऑल्टीट्यूड, एंड देन फ्रॉम देयर वी डिसाइडेड दैट वी मूव ऑन टू जम्मू. आप माता जी, आपने कभी अपने पूरे समय में ऐसे हालात देखे थे कश्मीर? नहीं, कभी नहीं मैंने ऐसे हालात देखे थे, बिल्कुल नहीं. बहुत घबराहट हो रही होगी देख के. जी हाँ, मेरी फैमिली वहाँ थी, मेरे बच्चे वहाँ थे, काफ़ी, ये मेरा बेटा है और इनके बच्चे, इनकी मिसेज वहाँ थी. मैं काफ़ी घबराई हुई थी और कंटेक्ट नहीं हो पा रहा था, मतलब टेलीफोनिक कंटेक्ट कट ऑफ था. घबराहट भी होती होगी इस समय ऐसे? जी हाँ, जब देखते थे हम टीवी पे देख रहे थे ना, यहाँ पर जम्मू में, मैं जम्मू में थी, तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे वहाँ पर. हम आपको दिखा रहे हैं स्वर्ग में जल प्रलय, वो समय जब झेलम अपने पूरे उफान में थी, और आज उसी के अंश दिखाई देते हैं. वाटर लेवल जरूर कम हुआ है, लेकिन मेन टाउन में अब ये पानी पूरी तरीके से फैल चुका है. चारों तरफ से श्रीनगर कम्युनिकेशन वाइज और नेशनल हाईवे के तौर पे कट चुका था. अब चारों तरफ अगर आप देखें तो झेलम का ये उफान साफ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अब चारों तरफ से संपर्क कटा हुआ था. बीचों बीच ये टापू बन गया था, एक पूरा गांव जो मेन कनेक्टिविटी लाइन है उससे भी कट गया था. ठीक सामने की तरफ अगर आप देखें जो हाईवे है, वो उस हाईवे पे भी लैंडस्लाइड और जो पूरा एरिया है रोड का वो बहता हुआ नज़र आया. ये तस्वीर है श्रीनगर की, हम आपको श्रीनगर का टॉप व्यू दिखा रहे हैं. वजह यह है कि इससे ये बताना बेहद ज़रूरी है कि अभी के हालात कैसे हैं. तब जब जल प्रलय के इतने दिनों के बाद अब ऐसा लगता है कि ऑपरेशन रेस्क्यू में तेज़ी आई है, और वहीं दूसरी तरफ जितने भी लोग हैं राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि जल स्तर कम हुआ है. और जो बीचों बीच एरिया है जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट था, वहाँ पे भी अभी जल भराव की स्थिति थोड़ी कम हुई है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. लोग अभी फंसे हुए हैं, कनेक्टिविटी उनसे नहीं हो पा रही है. हम आपको दिखा रहे हैं जल प्रलय की तस्वीर, वो तस्वीर जैसे पूरा श्रीनगर इस समय अफेक्टेड है. चारों तरफ पानी दिखाई दे रहा है, और इस पानी को देखते हुए हालात और स्थिति बद से बदतर है. चारों तरफ अगर आप देखें तो इस समय पानी ही पानी है. जो मेन हाईवे है वो इस समय डिस्कनेक्ट हो गया है, मेन एरिया से कनेक्शन नहीं है. चारों तरफ अभी भी पानी और जलभराव की स्थिति है, जिसकी वजह से ये एरिया डिस्कनेक्ट है, कम्युनिकेशन ठप हो चुका है. इसीलिए आर्मी लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द कम्युनिकेशन यहाँ पे साधा जाए, और ऑपरेशनल एरिया इसी वजह से रेस्क्यू किया जा रहा है. चारों तरफ आप पानी देख रहे हैं, ये अभी भी ऐसी स्थिति है श्रीनगर को में, जिसको देखकर बेहद डर लगता है. स्वर्ग कही जाती है श्रीनगर, चारों तरफ इस समय आई जो बर्फ पीली चोटी है वो दिखाई देती है, लेकिन लगता है स्वर्ग में किसी की नज़र लग गई है. इसीलिए जल प्रलय की हालत है, चारों तरफ इस समय स्थिति सामान्य नहीं है. ये वो गांव हैं जो कि बिल्कुल पास श्रीनगर के मेन एरिया हैं, कोर एरिया में हैं, और कनेक्टिविटी इनकी खत्म है. आपने कभी इस हालात में कभी देखा श्रीनगर? दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरी ज़िंदगी में ये पहली बार ही इतना हुआ है. सुनने में आया कि दिस इज़ ये 109 साल के बाद, 109 ईयर्स के बाद ऐसा जल प्रलय आया. हम लोग सज्जाद अंसारी, हमारा नाम है. कहाँ पे थे आप? हम लोग रावलपुरा में. पूरा पानी में डूबा हुआ था वो? हाँ, पानी में डूबा हुआ था. आपको क्या बताएं कि क्यामत खेज मंजर था, वहाँ पानी इतना था कि दो दो छतों पर लोग आओ पका कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है. और ऐसे हालात आपने कभी देखे इस तरीके? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं. और कोई उनकी प्रवेश करने वाला नहीं है? कितनी दिक्कतें हुई वहाँ पे? बहुत दिक्कतें हुई, पानी बहुत दूसरी मंजिल तक पानी पहुँच गया था. खाने पीने का कोई बहुत प्रार्थना कर रहे होंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए. हाँ हाँ, वो तो कर रहे हैं. दिक्कत हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई मदद नहीं की, हमें अगर मदद किया तो सिर्फ फोर्स ने किया, आर्मी ने किया. हम सब लोगों को अभी भी निकाल रही है आर्मी, और राशन पानी भी दे रही है, पानी का घूम रहे हैं, और बाकी हमारी किसी आदमी ने कोई मदद नहीं. हालात बदतर हैं, ऐसे में कोई सिविल की डिजास्टर मैनेजमेंट का करोड़ों रुपया आया और इस गवर्नमेंट ने लूटा, और एक किश्ती आज तक खरीदी नहीं है, जबकि आर्मी ने एक चंद किश्तियां मंगाई और लोग निकले और तंग गलियों में किश्ती जा ही नहीं रही है. इस समय ये पूरे सभी लोग हैं बेहद परेशान हैं. क्या चीज होगा? दो जन से आप लोग कुछ लिखा है? इस समय जवाहरनगर पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है, करीबन 15 से 20 फीट तक पानी है, और मशक्कत इतनी की जा रही है कि जितने लोग अंदर थे उनको निकाला जा रहा है. आपका क्या नाम है? कौन जी? मेरा नाम सारिका है, मेरे हस्बैंड यहाँ फंसे हुए थे, मैं उनको लेने आई हूँ. मैं आपको सबको ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आर्मी और लोकल लोग जो हैं यहाँ के, वो हेल्प कर दें.
पुलिस का एक लोकल पुलिस का एक बंदा नहीं है जो हेल्प के लिए आ रहा है। इतने जवान उनके पास खड़े हैं बट वो एक बंदा भी बाहर निकल के नहीं आ रहा। परेशानी हो रही है क्योंकि कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा। आपको लगता है यहाँ पे हम आराम से रह रहे होंगे? आपको लगता है हम इस वक्त कम से कम 50-100 साल पीछे जा चुके हैं? नो लाइन्स, नो कम्युनिकेशन, नो कन्वेंस, एवरीथिंग इज ठप। मतलब कि ना लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल है, इतना इतनी बुरी हालत है सर, लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। कितने दिन से फंसे हुए थे आप? 4 दिन से फंसे हुए। जो भी हमें आ रहा है हम पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं, वो बोल रहे हैं जी नहीं नहीं आप सेफ हो, आप सेफ हो, और आर्मी ने साथ दिया हमारे को, हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे कश्मीरी भाई हमारे साथ है। इस समय ये फ्लड चैनल है श्रीनगर के मेन बीचों बीच बसा, और इस समय अगर आप देखें तो पूरा उफान पे है। वो मेहजूर नगर है जो पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया है। जो स्थानीय लोग हैं मशक्कत के साथ, क्योंकि वो एक तरीके से टापू में तब्दील हो गया है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि निकलें। अगर आप देखें तो एक रस्सी लगा रखी है और रस्सी के सहारे से ही एक एक करके वो सभी लोग निकल रहे हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि ये इनर कोर इलाका है, यहाँ तक अभी तक सेना नहीं पहुँच पा रही है। और ठीक सामने की तरफ देखें जो गाड़ियाँ हैं वो नीचे की तरफ गिरी हुई हैं, और वो तेज़ बहाव की वजह से मारुति जो गाड़ी है वो सीधा नीचे की तरफ गिरी और स्थिति बद से बदतर हो गई। अब ऐसे में स्थानीय लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हालात सुधर सके। ये जो इलाका है ये पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया है। क्या इलाका है और कौन कौन से एरियाज हैं इसके बीचों बीच? ये जहां आप देख रहे हैं ये मैजूर नगर एरिया है, उसके बाद दाएं तरफ से रामबाग है, बाएं तरफ से मैजूर नगर एरिया है, और उसके बाद नटीपुरा उधर गया, और ये पातशाहबाग का एरिया है जो पूरा इस वक्त पानी में डूब चुका है। और अभी तक जो मुकामी लोगों का कहना है, अभी मुझसे उनकी बात हुई, इन्होंने बता दिया कि मुकामी एसएचओ ने बताया कि ये एरिया सेफ है। जाकर अब आर्मी ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के जो एहलकार वहाँ पहुँचे, इन्होंने देखा वो एरिया अभी सेफ नहीं है, अभी भी वो पानी में गर्क चुके हैं। और जितने ठीक सामने देखें तो लोग जो हैं तेज बहाव के बीचों बीच बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और ऐसे में उन्होंने एक रस्सी लगाई है ताकि उसी का सहारा लेते हुए वो सभी एक एक करके बाहर की तरफ आ रहे हैं। ये जो मजदूर नगर का इलाका है इसकी आबादी बेहद घनी है, करीबन 1000 से 1500 लोग इसी कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन हालत देख के आपको ये खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि अब स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर मनीष प्रसाद दोपहर 12:30 बजे श्रीनगर के गौगजी बाग पहुंचे, वहां का मंजर कैसा था आप खुद देखिए। गौजीबाग एरिया से इस समय जकलाई की टीम सभी को रेस्क्यू करके लाई है, और रेस्क्यू करने के बाद अब एक एक करके जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं। स्थिति देखिए, सभी ने लंबी जद्दोजहद की, उसके बाद निकाला गया इस बोट्स पे। सबसे पहले जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको निकाला जा रहा है। बेटा क्या नाम है आपका, कहाँ पे थे आप? हालत कैसी है वहाँ पे? ठीक सामने देखें तो जितने भी बड़े लोग हैं छोटे लोग हैं वो सभी अब एक एक करके नीचे की तरफ उतर रहे हैं। हालत खराब है, वजह यह है कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। सर जी कहाँ पे थे आप लोग? हम गोगजीबाग एरिया में रहते हैं। खुदा का फजल था हम बच गए, लेकिन यहाँ अगर किसी ने बचाया खुदा के बाद वो खाली आर्मी नहीं। सेंट्रल आपको क्या नाम? स्टेट कोई बहुत डर लग रहा होगा ऐसी हालत में देख मैम, कोई क्या नाम है आपका? कितनी बुरी हालत है? बहुत बुरी हालत है, अंदर पानी भरा हुआ है जी, सब खराब, कुछ नहीं रहेगा। अब ऐसे में बड़े बुजुर्ग सभी लोग क्या, ये देखिए वो लोग हैं जो कि इस समय रेस्क्यू हुए हैं, बेहद परेशान हैं, दुख में हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्थिति को सामान्य बनाने के लिए इस समय जैकलाई की टीम लगातार कोशिश कर रही है। आर्मी का ऑपरेशन मेघ राहत, इस समय हम गुजनगर में हैं और यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा आपको। लोग जहाँ तहाँ बैठे हुए हैं, कई सारी बोटें लगाई गई हैं जिसकी वजह से लोगों को निकाला जा रहा है, एयर सॉर्टीज की जा रही हैं। ठीक ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो लोग बैठे हुए हैं, हाथ इशारा करके वो बुलाते हैं। चारों तरफ इस समय जल भराव की स्थिति है, नीचे की तरफ भी एक मंजिल से भी ज्यादा पानी है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है वायर्स थी इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी बंद किया गया। ठीक नीचे अगर आप देखें तो पूरा आशियाना इस समय जो है पानी में सराबोर हो चुका है, बंद हो चुका है। सामने की तरफ से जो लोग हैं वो आ रहे हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, पूरा जनरेटर नीचे डूब चुका है। वजह यह है कि ऐसे हालात को देखते हुए अब भारतीय सेना लगातार कोशिश कर रही है, इंडियन आर्मी की जैकला यूनिट और आरआर
ये सभी लोग अब लगातार कोशिश कर रहे हैं। ठीक सामने की तरफ देखें तो ये वो लोग हैं जिनको अब रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। इस समय हम गुजनगर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे घर पूरे पानी में डूबे हुए हैं, करीबन 20 से 25 फीट पानी अभी भी है। इस समय यहां पर अगर आप देखें तो रेस्क्यू ऑपरेशन आर्मी का शुरू है। यहां पे सभी लोगों को कोशिश की जा रही है निकालने की, एक एक करके वो तमाम लोग जो कि ऊंची ऊंची इमारतों पे थे उनको निकाला जा रहा है, बिठाया जा रहा है। और इस समय इस राहत के साथ अब इस रेस्क्यू में सभी लोगों को बिठाया जा रहा है। वजह यह है कि जल्द से जल्द लोगों को बिठाया जाए और सुरक्षित जगहों तक भेजा जा सके। आप कहाँ पे फंसे हुए थे? वो मकान है ना हमारा, राइट फ्रॉम सैटरडे, जब से ये बॉर्डर स्टार्ट हुई है राइट फ्रॉम सैटरडे हम वहाँ फंसे हुए। खाने को है कुछ भी? अभी कुछ भी, जो भी था वो सब पानी पानी ऐसा एवरेबली आया कि हमें मुंह करने का टाइम नहीं मिला। चारों तरफ यहाँ पे क्या क्या था बताइए? हाँ, चारों तरफ क्या क्या था यहाँ पे? खाली पानी पानी हर जगह। लोकेशन कौन कौन सी थी यहाँ पे? ये मतलब राइट फ्रॉम आता है गोनीखंड टू ये जो है फ्लड चैनल, ये सारा इलाका कवर्ड है अंडर वाटर। कॉलेज है यहाँ पे, सब यहाँ पे उधर से इधर तक। यहाँ पे क्या क्या था सर? ये हॉस्पिटल है, ये अमर सिंह कॉलेज है सर, पूरे श्रीनगर का सर मशहूर है अमर सिंह कॉलेज है। यहाँ पे पहले जमाने से है, महाराजा हरि सिंह ने ये बनाया है, उन्हीं के जमाने। पूरा पानी में तहस नहस जी सर, अब ये पूरा पानी में तहस नहस हो गया सर। यहाँ पे क्या क्या सर? ये हॉस्पिटल है, ये अमर सिंह कॉलेज है सर, पूरे श्रीनगर का सर मशहूर है अमर सिंह कॉलेज है। यहाँ पे पहले जमाने से है, महाराजा हरि सिंह ने ये बनाया है, उन्हीं के जमाने। पूरा पानी में तहस नहस जी सर, अब ये पूरा पानी में तहस नहस हो गया सर। अब स्थिति ये चारों तरफ की है, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे लोगों के आशियाने डूब गए पानी में। अभी भी हालात वैसे ही है, तापमान में गिरावट आई है, फिर उसके बाद तापमान थोड़ा ठीक हुआ है, पानी का लेवल 1 फीट के लगभग कम हुआ है, लेकिन ऐसे में सामान्य स्थिति नहीं कह सकते क्योंकि अभी भी लोग जो हैं वो ऊपर हैं, उनको निकालने का काम चल रहा है। और अब देखें तो ये तारे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ पेड़ बीच में रेस्क्यू पे आ रहे हैं। ये एएस कॉलेज का मेन गेट है, इस एएस कॉलेज के इस मेन गेट की अपनी महत्वता है, लेकिन अब ये पूरा गेट डूबा हुआ है। ठीक सामने की तरफ एएस कॉलेज की पूरी बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अब एएस कॉलेज के नाम पर यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। ये पूरा परिवार इस समय बीएसएफ के रेस्क्यू कैंप में है और यहीं से अब इनको भेजा जाएगा, लेकिन हालत देखिए, एक छोटा बच्चा है और बड़ी मुश्किल का सामना करते हुए ये लोग बाहर निकले। क्या नाम है आपका? ज्योति। कहाँ पे थे आप? कितना पानी भर गया था वहाँ? अलचीबाग में, वहाँ बहुत पानी था और मकान भी थोड़ा ऐसा ही था, इसीलिए हम निकले जल्दी। कैसी कंडीशन थी? पानी बहुत था उधर वहाँ, हम तो सुबह से लेकर शाम तक हम इतने देर पानी में जाके लोगों की मदद कर रहे थे, मकान भी गिरे हैं वहाँ, तो वहाँ से हम फिर निकले। हमारा मकान खुद गिरने वाला था, इसलिए हम जहाँ आपके कैंप में बैठे हैं, थोड़ा यहाँ चलो हेल्प मिल रही है हमें, चलो खाने पीने। क्या नाम है आपका? तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से आप निकल पाए। कहाँ पे थी आप? वहीं पे थे अलचीबाग में। क्या हालात थे, आँखों से क्या देखा आपने? बहुत कुछ देखा, बारिश हो रही थी, पानी भर गया, और घर भी गिर रहे थे ना पास में पड़ोस में। तुम क्या नाम है आपका? मेरा नीलू फशी। क्या हालत थी, कंडीशन कैसी थी जो आपने देखी? बहुत पानी था वहाँ, मकान गिर रहे थे, बहुत ज्यादा बह रहे थे लोग, दरिया बहुत ज्यादा था। राहत शिविर में बीएसएफ इस समय सभी लोगों को खाना खिला रहे हैं। लंबी कतारें लगी हुई हैं, चारों तरफ ये कतारें आपको दिखेंगी। जो एडमिनिस्ट्रेशन के बीएसएफ के लोग हैं वो अब कोशिश कर रहे हैं कि सभी लंबी कतारों में पंक्तियों के साथ रहें और उनको खाना मुहैया कराया जा सके और साथ में स्वच्छ पानी भी पीने को दिया जाए। ये वो लोग हैं जो इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। क्या नाम है आपका? केसरी लाल। कहाँ से हैं आप? यूपी से। कैसी हालत थी, कहाँ पे फंसे हुए थे आप? क्यों जिला फंसे हुए थे, फिर दीवार नीचे गिर गई, वहाँ से भागे। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? दिनेश राम, आए थे कमाने के लिए। और अब पानी में दा गया, पानी में वो बढ़ आ गया सर, हम पानी में दा गए, रामबाग में थे और बहुत मुश्किल पड़ गया, चोट वोट भी पैर उड़ में लगा है और हमको बहुत दिक्कत हुआ। हमारे लिए कोई साधन नहीं है, हम मर रहे हैं कश्मीर में, हमारे लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसे बात है सर। यहाँ तो फंसे हुए हैं सर, यहाँ भी मर रहे हैं। कौन सा गांव है आपका, कहाँ के हैं आप? बिहार का जी। कहाँ पे? मधुबनी जिला। एक साथ आप कितने लोग हैं मधुबनी के? 12-14 आदमी है सर।
अभी कैसी हालत है आप लोगों की? हालत बहुत गंभीर है सर, खाना नहीं मिल रहा, जाने का साधन नहीं मिल रहा, यहाँ मंगा लिया हूँ, यहाँ मर रहे हैं, क्या फायदा। सभी को खाना दे रहे हैं? तो सभी को खाना मिल रही है, दे रही है इधर से। और ये देखें खिचड़ी दी जा रही है, आप लोग सभी को दे रहे हैं खाना? हाँ सभी को सर। और तीनों टाइम खाना दिया जा रहा है? हाँ अभी शुरू कर दिया है। जहाँ एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है तो स्थिति को देखते हुए यहाँ पर करीबन अगर आप देखें तो 200 के लगभग ये छोटे कैंप्स और फिर उसके बाद ये बड़े बड़े कैंप्स लगाए गए हैं। वजह यही है कि सभी लोगों को राहत मिल सके। शाम के 6 बजे न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर मनीष प्रसाद बीएसएफ के कैंप पहुंच चुके थे। शाम को 6:30 बजे न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर मनीष प्रसाद जब वहां पर मौजूद थे तब देखा हजारों भूखे प्यासे लोगों को राहत वहां पर पहुंचाई जा रही थी, उनके लिए सारा इंतजाम वहां पर किया गया था। अभी तक क्या क्या आप लोगों ने मुहैया करवाया है सभी को? हम लोगों ने यहाँ पर जो राहत शिविर में जो लोग आ रहे हैं उनके रहने के लिए टेंट की व्यवस्था की है, और ये टेंट की तादाद जो है जिसमें हम लगभग 2000 आदमी को अभी तक एकोमोडेट कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर मेडिकल की फैसिलिटी भी है, जो लिमिटेड रिसोर्स में जो मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है उससे हम मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, और जो लेडीज़ हैं उनको प्रायोरिटी में थोड़ी सी हम जितना भी फैसिलिटी दे सकते हैं दिया है। इसके अतिरिक्त जो भी यहाँ पर अरेंजमेंट हो रही है वो बीएसएफ के रिसोर्स से हो रही है, हमारे लोगों की तरफ से ही हो रही है, कहीं और से कोई भी चीज़ें नहीं आई हुई हैं। तो एयरपोर्ट से सटा हुआ इलाका है, ऐसे में ऑपरेशनल एरिया यही है एक तरीके से, जितने भी लोग रेस्क्यू होकर आते हैं यहीं आते हैं, तो उन सबको खाना दिया जा रहा है, सारी सुविधाएं दी जा रही है। आज हमने इस कैंप में सभी को यहाँ पे खाना प्रोवाइड किया है, जितने भी लोग एयरपोर्ट से पेस्ट्रक हैं और आगे नहीं जा पा रहे हैं, इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, और सभी को ये खाना जवानों ने अपने खाने में से निकाल करके दिया है, क्योंकि एज सच कोई रिलीफ मटेरियल हमारे पास नहीं पहुंचा है, तो हमारा जो खुद अपने लोगों का ही खाना है वही सारा खाना यहाँ पे खाना हो गया, प्लस बिस्किट हो गए छोटे बच्चों के लिए, दूध के पैकेट्स हो गए छोटे और भी छोटे बच्चों के लिए, और दवाइयाँ भी हमारी जो आई हुई हैं हमारी खुद की जो जवानों के लिए दवाइयाँ ली गई हैं वही दवाइयाँ यहाँ पर अभी प्रोवाइड की जा रही हैं। ये देश का जज्बा है, एक तरफ जहां बॉर्डर को सिक्योर करता है बीएसएफ तो वहीं अपने खाने और अपनी मेडिसिन से अब ये पूरा राहत शिविर लगाया है। चारों तरफ लंबी कतारें आप देखेंगे, इन कतारों में वो लोग हैं जो कि रेस्क्यू होकर आए हैं और अब उनको खाना दिया जा रहा है। ये खाना कोई अलग रिलीफ कैंप का नहीं बल्कि ये जवानों के अपने खाने में से निकाला हुआ खाना है, इसीलिए ये सब इन सबको अब आश्वासन के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। गुजरात से आई ये फैमिली स्वर्ग को घूमना चाहती थी, लेकिन स्वर्ग के इस जलप्रलय ने इनके पूरे ट्रिप को जहां कैंसिल किया वहीं मौत की भयानक तस्वीर भी लोगों ने देखी। हम गुजरात से हैं, भावनगर से है, मानसी राजपुरा मेरा नाम है। अभी हमारे 3-4 लोग और भी फंसे वहां पे फंसे हुए हैं और उनका कोई अभी तक पता नहीं। हालत कैसी थी, क्या आंखों से देखा आपने? अरे पूरी हम लगा ही नहीं, स्वर्ग नहीं था वहाँ पे, पूरा पानी ही था, हमारे सारे ये छोटे छोटे बच्चे भी वहीं पे थे और उनके लिए खाना पीना कुछ अरेंज नहीं हो रहा था, और चार दिन तो हम पानी में ही फंसे रहे। संपर्क भी नहीं हो पा रहा होगा परिवार से, कोई भी नहीं, पीने का पानी नहीं, कुछ खाने का नहीं, बच्चे ऐसे अभी 3 दिन से भूखे ही भूखे हैं, अभी सिर्फ लेडीज लोग आए, हमारे हस्बैंड सब वहाँ पे ही अभी। हम 27 पीपल थे, उसमें से अभी 18 लोग ही आए हैं और भी 10 लोग वहाँ फंसे हुए। हालत क्या थी पानी? पानी बहुत, सब बच्चे रो रहे थे, पीने का पानी नहीं मिल रहा था, खाना भी कुछ नहीं था, 2-3 दिन तक हम होटल में रहे। हेलीपैड पे 2 लाख लोगों की लाइन है अभी, लगा लंबी कतारें भी लगी हुई है, 2 लाख लोग कम से कम फंसे हुए हैं, 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन है, 3 दिन दिनों से रुके खाना। मेरे फादर मेरे साथ थे, वो बैठे हुए थे, हमें 2 दिन हो गए, हमने वहाँ पे पानी तक अवेलेबल नहीं था वहाँ पे। कैसी हालत थी, आँखों से क्या दिख रहा था आपको? बहुत ज्यादा, हम तो पागल होकर आए हैं और हम भगवान को शुक्रिया करते हैं कि हम यहाँ ठीक से पहुँचे हैं, और हमें बल्कि हमने तो अपने बैग तक छोड़ दिए थे, हम सोच रहे थे कि हम बस खुद हेलीकॉप्टर में, हमें इतनी मुश्किल से उठा के चढ़ाया है ना, इतनी गंदी दुनिया है वहाँ पर। और आसपास क्या दिख रहा था आपको वहाँ पे, पानी सारा पानी पूरा फ्लड आया हुआ है, पूरी डूब चुका है वो, छोटी मोटी गलियों में भी आप जाओगे तो इतना इतना पानी था, इतना पानी है, यहाँ हम निकल के आए इतने इतने पानी में से,
लगता है मौत को बिल्कुल पास से देखा? बिल्कुल देखा है, बिल्कुल। आज के बाद कभी कश्मीर नहीं आएंगे। अब ऐसे में अपने परिवार के लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहते हैं हम ठीक ठाक अब यहाँ पहुँच गए हैं, हम पहुँचेंगे अब ठीक ठाक। इट वॉज वेरी स्कैरी, मुझे लगा कि हम लोग नहीं बचेंगे। इट वॉज वेरी वेरी बैड, हमें लगा कि हम लोग शायद नहीं बच पाएंगे। बट थैंक गॉड आफ्टर 2-3 डेज थोड़ा लेवल कम हुआ और रेस्क्यू टीम आई, उन्होंने हमें निकाला। फिर छोटा बच्चा आपके साथ था? एक और छोटा बच्चा है, वो मेरे हस्बैंड के साथ वहीं पर है। एक्चुअली वहाँ पर बहुत क्योस है श्रीनगर में, बिकॉज देर इज़ ओनली 2-3 हेलीकॉप्टर्स वर्किंग एंड इतने सारे लोग हैं वहाँ से निकलने वाले। तो वो सिर्फ लेडीज़ और बच्चों को निकाल रहे थे, मैं 2 बच्चों को नहीं ला सकती थी, तो एक मेरा दूसरा बच्चा और मेरा अनादर। बहुत घबराहट हो रही होगी बहुत ज़्यादा। अगर मैं कहूँ कि तस्वीर अगर आप बता पाएं कैसी थी, क्या हालात थी उस समय? इट वॉज लाइक टाइटैनिक, जैसे कि कुछ चांस नहीं है, बट या पानी एवरीवेयर वाटर, एवरीवेयर वाज वाटर टिल सेकंड फ्लोर। सर जम्मू कश्मीर की सिचुएशन क्या है, हालात कितने कंट्रोल सुनील सागर के साथ? पानी नीचे आ रहा है लेकिन हालात अभी भी नॉर्मल से बहुत ज़्यादा दूर हैं। अभी भी ऐसे इलाके हैं जो कटे हुए हैं, जहाँ हेलीकॉप्टर के ज़रिए हम रिलीफ सप्लाईज उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें खुशखबरी सिर्फ यही फ्लड वालों ने दी है कि आम तौर पे बहुत तेज़ी से पानी का लेवल जो है नीचे आ रहा है। जो इलाके कल तक कटे हुए थे वो आज दोबारा सड़क के ज़रिए जुड़ गए हैं, आगे भी इलाके इसी तरह जुड़ते जाएंगे। जो मेन कोर एरियाज हैं वहाँ से लोग निकलना नहीं चाह रहे, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है? चुनौती नहीं है ना, लोग अपनी मर्ज़ी से निकलना नहीं चाहते, ठीक है, उसका ये मतलब है कि जो खतरा है खतरा टल गया है। लेकिन जो निकलना नहीं चाहते हैं, फिर हमारे लिए ये चैलेंज बनता है कि हम रिलीफ उन तक पहुँचाएँ। हमें मुझे नहीं लगता है ज़्यादा बड़े पैमाने पर रिलीफ कैंप्स कायम करने की ज़रूरत है। हमें एक तो उन घरों को जिनको नुकसान हुआ है उनको फौरी तौर कैश असिस्टेंस हम पहुंचा दें, वो हम पहुंचाने का काम जो है शुरू करेंगे जैसे ही रेस्क्यू का ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है। और उनको नए सिरे से राशन, जिसके लिए मौजूदा हुकूमत ने पहले ही जो है फैसला कर लिया है कि 6 महीने का मुफ्त राशन जो है हम इन लोगों को दे देंगे, ताकि कम अज़ कम ये सर्दी के महीने जो है ये निकल जाए। लेकिन घाटी में बिना रुके दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आज सुबह घाटी से कुछ लोगों को निकालकर दिल्ली पहुंचाया गया, लेकिन अब भी हजारों लोग श्रीनगर के रिहायशी और बाहरी इलाकों में फंसे हैं, जिन्हें बाहर निकालने का काम जारी है। बहुत ही बुरी हालत थी, 5 तारीख को तो इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन 6 तारीख को सुबह 10 बजे से एकदम से पानी चढ़ने लगा। फिर हमारा जो होटल था सबसे लास्ट था, जिसमें पानी लास्ट में चढ़ा है। बाकी तब तक बाकी होटलों की हालत बहुत बुरी थी, काफ़ी घर डूब चुके थे। क्या नाम है आपका? अपनी आंखों से आपने क्या त्रासदी की तस्वीर देखी? ये आकिब है, चांदपुरा से इसे रेस्क्यू करवाया गया है, हालत बहुत ही खराब है। आपके साथ कितने लोग थे, कहाँ कौन सा एरिया है आपका? हम बाटियानगर में रहते हैं, हमारा स्कूल स्कॉलर स्कूल है। हम बाटियानगर से, हमको बहुत पानी आया था, हम उधर से शिफ्ट किए हैं छानापुरा हमको शिफ्ट किया है बैतुल माल के पास, हमको जे के हालत क्या थी, अपनी आंखों से क्या देख रहे थे आप? हम सैलाब ही सैलाब था उधर, डर लग रहा था बहुत। हाँ, ये छोटा बच्चा है, इस समय से रेस्क्यू करवाया गया है, स्थिति बद से बदतर है, इसीलिए इस समय ऑपरेशन मेघ राहत के जरिए सभी को राहत पहुंचाई जा रही है। कई सारे लोग थे जो ऊपर बैठे हुए थे। इस समय अगर आप देखें तो सेना की एक नाव आ रही है, स्थानीय लोग यहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। जो यहां के लोग हैं वो बेहद परेशान हैं, क्योंकि अपना आशियाना और अपना सब कुछ छोड़ के यहां पर आए। क्या नाम है आपका? खालिद। खालिद साहब, कब ऐसी हालत हुई यहां पर? ये 7 तारीख की नाइट को हुई थी, तब से यही हाल है। कोई अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, कितने दिन लगेंगे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आँखों के सामने सब कुछ बहता हुआ दिखाई दिया? बिल्कुल, एकदम सब खत्म ही दिख रहा है अभी तक, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कि कितने बचे हैं, कितने जिंदा हैं,
कुछ भी नहीं पता, कितने मरे हैं कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। कोई संपर्क हो पाया किसी से भी? अभी तो सिर्फ एक फैमिली से संपर्क हो पाया अभी तक, बट अभी काफ़ी फैमिलीज हमारी अभी भी ऐसी हैं, आप देख रहे हैं। ठीक सामने की तरफ देखें तो वाटर लेवल आपको दिखेगा, यहाँ पर जल भराव की स्थिति है। वजह यह है कि तेज बहाव और तेज बारिश ने पूरे श्रीनगर में ऐसी हालत कर दी, जिसकी वजह से अब स्थानीय लोग परेशान हैं। उनके साथ साथ सेना मदद की कोशिश कर रही है, लेकिन जब भी यहाँ पर अगर कोई पैकेट गिराया जाता है तो वो सीधा पानी में जाता है, जिसकी वजह से वो सिर्फ वेस्ट होता है। परेशानी इस बात की भी है कि कब स्वर्ग को जलप्रलय से निजात मिलेगी। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मनीष प्रसाद।